नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोशकिर का मानना है कि जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच शांति नहीं होती, तब तक दक्षिण एशिया में शांति नहीं हो सकती। तो चलिए जानते हैं अध्यक्ष वोल्कन बोशकिर ने और क्या कुछ कहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोशकिर का मानना है कि जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच शांति नहीं होती, तब तक दक्षिण एशिया में शांति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते सामान्य होने पर टिकी है। उन्होंने दोनों देशों से कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए काम करने का आग्रह किया है। बता दें कि नेता बोशकिर एक आधिकारिक यात्रा पर पाकिस्तान में हैं। उन्होंने ये टिप्पणी यहां राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में बहुपक्षवाद के महत्व पर एक चर्चा के दौरान की है। बोशकिर ने कहा है कि दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि पाकिस्तान और भारत के बीच संबंधों के सामान्यीकरण पर टिकी हुई है, जो कश्मीर मुद्दे के समाधान से संभव है। दरअसल बोशकिर का परोक्ष तौर पर इशारा भारत द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के कदम की ओर था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के निमंत्रण पर आधिकारिक यात्रा पर बीते बुधवार को इस्लामाबाद पहुंचे बोशकिर ने उनके साथ विदेश मंत्रालय में भी बातचीत की और अन्य मामलों के अलावा कश्मीर के मुद्दे पर भी चर्चा की। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में 2016 में पठानकोट वायुसेना बेस पर पड़ोसी देश में स्थित आतंकी समूहों द्वारा आतंकवादी हमले के बाद गिरावट आ चुकी है, तो वहीं उरी में भारतीय सेना के शिविर पर हमले सहित बाद के हमलों ने संबंधों को और भी खराब कर दिया था। दोनों देशों के संबंधों में तब गिरावट आई जब भारत के लड़ाकू विमानों ने 26 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाया था। इस आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद अगस्त 2019 में भारत द्वारा जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा के बाद दोनों देशों के संबंध और भी खराब हुए। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में इस्लामाबाद के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है। भारत ने कहा है कि आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। बोशकिर संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाले तुर्की के पहले नागरिक हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद संभालने से पहले अगस्त 2020 में भी पाकिस्तान का दौरा किया था। वहीं मिनियापोलिस में श्वेत पुलिस अधिकारी के हाथों मारे गए जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को एक साल पूरा होने वाला है। इस मौके पर उनके परिवार को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने फ्लॉयड की पहली बरसी को लेकर क्या कुछ कहा है। मिनियापोलिस में श्वेत पुलिस अधिकारी के हाथों मारे गए जॉर्ज फ्लॉयड के परिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया है। फ्लॉयड का परिवार उनकी मौत की पहली बरसी पर व्हाइट हाउस जाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन फ्लॉयड की पहली बरसी मनाएंगे, हालांकि इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि 25 मई 2020 को मिनियापोलिस के पूर्व अधिकारी डेरिक शॉविन ने फ्लॉयड की गर्दन पर 9 मिनट तक अपना घुटना रखा था। इस दौरान फ्लॉयड लगातार छोड़ने की गुहार लगाते रहे। फ्लॉयड सांस नहीं ले पा रहे थे और आखिरकार पुलिस अधिकारी के इस कृत्य के कारण उनकी मौत हो गई। फ्लॉयड की मौत के बाद पूरे देश में नस्लवाद पर बहस छिड़ गई और पुलिस फोर्स में सुधार करने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन सामने आए।
इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से विरोध प्रदर्शन भी सामने आए। बता दें कि शॉविन को पिछले महीने ही फ्लॉयड की मौत के मामले में दोषी ठहराया गया था। अमेरिकी फार्मा दिग्गज कंपनी ने केंद्र सरकार से फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए फास्ट ट्रैक मंजूरी देने की गुजारिश की है और कहा है कि जुलाई से अक्टूबर के बीच 5 करोड़ खुराक रोल आउट करेगी। तो चलिए जानते हैं कि फाइजर कंपनी ने क्या कुछ कहा है। अमेरिका की दिग्गज दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसकी कोविड वैक्सीन भारत को कोरोना वायरस के वेरिएंट के खिलाफ उच्च प्रभावशीलता दिखाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में संक्रमण और मौतों के विनाशकारी दूसरी लहर के पीछे यही वेरिएंट है। सूत्रों ने कहा है कि फाइजर ने केंद्र सरकार को यह भी बताया कि इसका टीका 12 साल से अधिक उम्र के सभी के लिए उपयुक्त साबित हुआ है और अहम बात यह है कि इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा के बीच कोल्ड स्टोर सुविधाओं में 1 महीने तक सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है। अमेरिकी फार्मा दिग्गज कंपनी ने केंद्र सरकार से इस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए फास्ट ट्रैक मंजूरी देने की गुजारिश की है और कहा है कि जुलाई से अक्टूबर के बीच 5 करोड़ खुराक रोल आउट करेगी। अगर उसे सरकार प्रतिकूल घटनाओं के मामलों में क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावों से सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण नियामक छूट देती है। हालांकि देश में इस्तेमाल हो रही 3 वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी में से किसी को भी इस तरीके की छूट नहीं दी गई है जैसी छूट फाइजर मांग रहा है। फाइजर ने भारत में उसकी कोविड 19 वैक्सीन को जल्द मंजूरी देने की मांग करते हुए भारतीय अधिकारियों से कहा है कि उसका टीका भारत में फैले कोरोना वेरिएंट के खिलाफ काफी असरदार है और यह 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को भी लगाया जा सकता है। फाइजर ने कहा है कि भारत में फैले SARS-CoV-2 वेरिएंट के खिलाफ और भारतीय लोगों पर उसका टीका काफी प्रभावी होगा। फाइजर ने भारतीय अधिकारियों के साथ हाल ही में एक बैठक के दौरान विभिन्न देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उसके टीके की प्रभावकारिता परीक्षणों और अनुमोदन के संबंध में ताजा आंकड़े भी प्रस्तुत किए थे। भारत के साथ बातचीत में शामिल फाइजर के एक उच्च सूत्र ने कहा कि भारत और विश्व में वर्तमान स्थिति सामान्य नहीं है। ऐसे में हमें इस स्थिति के दौरान किए जाने वाले काम को आमतौर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की तरह नहीं लेना चाहिए। मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अल्बर्ट बिरला के बीच हाल ही में बैठक में दोनों पक्ष भारत में कोविड वैक्सीन के अनुमोदन में तेजी लाने के लिए 3 प्रमुख मुद्दों पर संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हुए हैं, जिसमें केंद्र सरकार के जरिए टीके की खरीद, क्षतिपूर्ति और देनदारी और मंजूरी के बाद अध्ययन जुड़ाव को लेकर नियामकीय जरूरत इसमें शामिल है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी फिलहाल डोमिनिका में ही रहेगा। ईस्टर्न कैरिबियन सुप्रीम कोर्ट ने चौकसी के प्रत्यार्पण पर रोक लगा दी है। तो चलिए जानते हैं कि ईस्टर्न कैरिबियन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा है। आप कुछ और जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी को फिलहाल डोमिनिका में ही रखा जाएगा। ईस्टर्न कैरेबियन सुप्रीम कोर्ट ने चौकसी के प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक मामले की सुनवाई खत्म नहीं हो जाती, भगोड़े हीरा कारोबारी को कहीं नहीं भेजा जाएगा, वो डोमिनिका में ही रहेगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 जून को होगी और तभी तय होगा कि चौकसी को कहां भेजा जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को कहा है कि हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई होने तक मेहुल चौकसी को कहीं भी नहीं भेजा जाएगा। मामले की अगली सुनवाई तक उसे यहीं रहना होगा।
सूत्रों के मुताबिक मेहुल चौकसी को फिलहाल जेल में नहीं रखा जाएगा, इसके बजाय उसे किसी होटल में 5 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा सकता है। हालांकि यहां उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बता दें कि कोर्ट ने मेहुल चौकसी को अपने वकीलों से मिलने की अनुमति दी है। इसके अलावा मेडिकल सुविधाएं और COVID-19 जाँच के लिए उसे अस्पताल भी ले जाया जाएगा। माना जा रहा है कि 5 दिनों बाद ही चौकसी को एंटीगुआ वापस भेजा जा सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि चौकसी अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुआ और सुनवाई के दौरान उसके वकील ही मौजूद रहे। भगोड़े कारोबारी की तरफ से उसके वकीलों द्वारा डोमिनिका की कोर्ट में हिबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की गई है, ताकि मेहुल चौकसी को कोर्ट में उपस्थित किया जा सके और उसे जरूरी कानूनी मदद मुहैया कराई जा सके। इस पर सुनवाई के बाद ही उसके प्रत्यर्पण पर फैसला होगा। इससे पहले मेहुल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि चौकसी को जबरन डोमिनिका लाया गया है।